धर्मशाला में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर धरने प्रदर्शन भी जोरों पर है। इसी कड़ी में हमीरपुर डिग्री कॉलेज अणु में SFI के छात्रों ने धर्मशाला में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये धरना प्रदर्शन इन्वेस्टर मीट में शिक्षा को लेकर जो नीतियाँ बनाई जाएंगी उसको लेकर किया गया। धरना प्रदर्शन में SFI के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। SFI के छात्र दीपक कुमार ने बताया कि धर्मशाला में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर 6 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग शिक्षा में नई नीतियां लाने के लिए है, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी नीतियां बाहर आएंगी जो कि प्राइवेटाइजेशन शिक्षा को बढ़ावा देंगी। SFI कड़े शब्दों में विरोध करती है कि इस इन्वेस्टर मीट में जो शिक्षा को बेचने की नीतियां बनाई जाएंगी उसको लेकर SFI धरना प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसी ही नीतियां लागू करती रही तो SFI और उग्र आंदोलन की चेतावनी देती है, जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। महिलाओं को उनकी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग नौणी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में जहां नौणी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों महिला कर्मचारियों ने भाग लिया, वहीं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं व आसपास की पंचायतों की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर DG ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं पुलिस विभाग की ओर से SP सोलन मधुसूदन शर्मा ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। वहीं कार्यक्रम के दौरान समाज में फैले कुछ ऐसी कुरीतियां जिनका प्रभाव छात्र छात्राओं कर्मचारियों व खास तौर पर महिला कर्मचारियों पर पड़ता है, उन विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। वहीं इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने अपने संबोधन में महिलाओं को उनके साथ होने वाले किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। साथ ही उन्होंने विभाग की ओर से जारी कई तरह के हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी। वहीं DG ठाकुर ने कहा कि सामाजिक मूल्यों का बहुपतन हो रहा है और परिवार बहुत अधिक टूट रहे हैं, आज के युग एकदम से तलाक की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग का ये प्रयास है कि यदि हमें अपने समाज को बदलना है तो हमारे युवाओं को संवेदनशील होना पड़ेगा, जिससे हम एक ऐसा समाज बना सकें जिसमें महिलाओं व बड़ों का आदर हो। उन्होंने कहा कि महिला आयोग जल्द ही पंचायत स्तर पर भी आयोग की इकाई गठित करेगा, जिससे पंचायत की महिलाओं को भी उनके अधिकारों व सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर बुशहर में 15 दिसंबर को वर्ल्ड प्रोफेशनल MMA चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, ब्राजील, थाईलैंड, रशिया से रेसलर हिस्सा लेंगे। इस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से द ग्रेट खली भी रामपुर पधारेंगे। इस बात की जानकारी UFI इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेश ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारियों को लेकर आयोजन समिति का भी गठन किया गया है। मास्टर भूपेश ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 10 फाइट होंगे और 20 फाइटर। उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप के आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर करना है, इसलिए हम फिट तो इंडिया फिट का नारा दिया गया। उन्होंने बताया कि युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है, युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन किया जा रहा है। अतुल टंडन आयोजन समिति के प्रवक्ता ने बताया कि हम फिट तो इंडिया फिट टीम को लेकर इस चैंपियनशिप को कराया जा रहा है। इसमें खास बात ये है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी मैदान में होंगे, वहीं इस प्रतियोगिता में हिमाचल के 2 युवा, जिनमें एक शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के ननखड़ी से कपिल देव व एक मंडी जिला के छत्री से शाहिल राणा होंगे। इस दौरान अतुल टंडन ने बताया कि यहां के लोगों ने खासकर युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक प्रयास होगा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को देखकर खेल भावना तैयार होगी।
सोलन नगर परिषद ने सोलन के बाजार में पॉलोथीन अनुमूलन के लिए औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एसडीओ सोलन इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये अभियान शूलनी मंदिर के समीप से आरंभ हुआ, मुख्य बाजार से होता हुआ माल रोड तक चला। चौक बाजार में सूट बेचने वाले का चालान किया गया। इस चालान को लेकर चौक बाजार व्यवसायियों ने नगर परिषद की इस कार्यवाही का कड़ा विरोध किया, जिसके चलते व्यापारियों और नगर परिषद अधिकारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने तर्क दिया कि अभी सरकार द्वारा पैकिंग में आने वाले पॉलोथीन के चालान के लिए कोई आदेश नहीं हुए हैं, इसलिए ये चालान नहीं कर सकते। व्यापारी और पूर्व पार्षद किशन गोवर ने कहा कि एक तरफ सरकार पॉलोथीन का चालान कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी डिपो में दालें और अन्य सामान अभी भी पॉलोथीन पैकिंग में आ रहा है, इसलिए पहले वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, लोगों के लिए उदाहरण बने, फिर उसके बाद में व्यापारियों का चालान करें। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने व्यापारियों को 3 माह का समय दिया है कि बन टाइम जो पॉलोथीन उपयोग होता है उसका कोई चालान नहीं काटा जाएगा, तो फिर नगर परिषद व्यापारियों को बेवजह क्यों तंग कर रही है।